आगरा के तिरंगा प्रेमी और देशभक्त गुलचमन को अब अपने बच्चों के एडमिशन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। एपीएन की खबर का असर हुआ है और खबर दिखाने के बाद आगरा के समाज सेवियों ने गुलचमन से संपर्क कर उसके बच्चों को पढ़ाने की पेशकश की। वहीं घुमंतू बच्चों को काफी सालों से निशुल्क पढ़ाने वाले समाज सेवी डॉक्टर हृदेश चौधरी ने गुलचमन के दोनों बच्चों का एडमिशन घुमंतू पाठशाला में करा दिया है। सबसे पहले तो मैं एपीएन को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने ये चौंकाने वाली खबर दिखाई, और जब मैं देख रही थी तो मुझे मतलब बेहद दुख इस बात का हुआ कि कहां ये इतना देशभक्ति का ढोल पीटने वाले, वहीं एक ऐसा देशभक्त देश प्रेमी गुलचमन के नाम पर जो कि पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित है, उसी के बच्चों को आज पढ़ाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मैंने ये संकल्प लिया है गुलचमन के दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए। वही गुलचमन के बच्चे एक बार फिर से पढ़ाई शुरू होने की बात सुनकर खुश दिखाई दी। उनकी बेटी गुलवतन का कहना है कि 3 साल पहले वंदे मातरम बोलने और तिरंगा पहनने के कारण उनके समाज ने उनका बहिष्कार किया था, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन अब वह फिर से स्कूल में पढ़ पाएगी। गुलवतन, आप स्कूल में पढ़ते थे पहले? हाँ। तो स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? पापा मेरे वंदे मातरम गाते थे इसलिए। आप भी गाते थे वंदे मातरम? हाँ। तो इसलिए आपको निकाल दिया गया। कितने साल हो गए? 3 साल। अब आपको कल से आप पढ़ने आओगे यहाँ पर? हाँ। तो कैसा लगेगा? कैसा अच्छा लगेगा। क्या बनना चाहते हो पढ़ के? वकील। सबसे पहले तो मैं एपीएन को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि मेरी आवाज़ उन्होंने बुलंद की और बुलंद तरीके से लोगों को दिखाया, जन जन तक पहुँचाया। आपके ये न्यूज़ चलाए जाने के बाद मुझे डॉक्टर हृदेश चौधरी हैं, उन्होंने बुलाया था और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं कल से जो है बच्चे यहाँ भेज दूँ और उन मेरे बच्चों को जब तक बच्चे पढ़ना चाहें वो निःशुल्क उन्हें पढ़ाएंगी, किताब और जो भी सामग्री होती है उसकी फुल खर्चे की जिम्मेवारी लेंगी। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं उन्हें। हालांकि एपीएन की पहल के बाद गुलचमन के बच्चों को शिक्षा मिलनी शुरू हो रही है, लेकिन ये मामला कहीं न कहीं उन नेताओं और पार्टियों के मुंह पर तमाचा है जो मुस्लिमों को वंदे मातरम बोलने की सीख देते नजर आते हैं। लेकिन जब वंदे मातरम बोलने वाला मुस्लिम परिवार परेशानी में होता है तो उनका साथ कोई नहीं देता। मानवेंद्र मल्होत्रा, एपीएन, आगरा।